अध्याय 13 पाठ धुनि साउंड 8वीं क्लास टर्म 2 दा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करन लगे हां। ठीक है, सब तो पहला धुनि दा संचार किथे केड़े माध्यम च हो सकदा, ठोस द्रव ते गैस, क्योंकि धुनि की है एक तरह दी ऊर्जा हैगी है एक अणु तो दूसरे अणु, तो ये ठोस द्रव गैस सारे अणुओं दे बने हुंदे। सब तो ज़्यादा तेज किस च होएगा, ठोसां दे विच। अदोवद धुनि की आवर्ती घट किसकी होंगी, आदमी की। ठीक है, आवर्ती मीनस एक सकिंट च किन्ने कंपन होंगे ओनू, तो आदमी जोड़ा स्लो बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कंपन की गिनती की होएगी, घट होएगी। ट्रू फॉल्स डू यूर सैल्फ। अदोवद एक कंपन नू, एक डोलन नू पूरा करन लई लगे समय नू की कहिंदे हन, आवर्तकाल। और धुनि का उच्चापन किस नाल संबंधित है, एम्पलीट्यूड एग्जाम दे नाल। देखो किवें आ एक वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इनू एम्पलीट्यूड कहिंदे आ असी। ठीक, एदे नाल जिन्ना उच्चा, देखो एक वेव इदां दी है, तो जिहदा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वह धुनि का उच्चापन की होगा, ज़्यादा होएगा, आजाम कहने। आवर्ती की मात्रक इकाई की है, हर्ट्स, क्योंकि हर्ट्स ने दिती सी फ्रीकुएंसी बारे। अनचाही धुनि नू की कहिंदे आ, शोर कहने। धुनि का तिखापन कंपना की आवर्ती तो निर्धारित, जिन्नी फ्रीकुएंसी ज़्यादा होगी उन्ना तिखापन ज़्यादा होएगा। अदू बाद आवर्तकाल ते आवर्ती दे विच समा एंड फ्रीकुएंसी पता करो। चाल 40 वार डोलन ते 4 सकिंट, तो एक सकिंट किन्ने डोलन होंगे, 10। तो कढ़नी है फ्रीकुएंसी, कढ़नी हैगी है, तुसी किवें कढ़ सकते हो फ्रीकुएंसी 1/T, जो टी कढ़ना हैगा 1/फ्रीकुएंसी, तो यह किन्ना आजूगा, 1/ किन्ना सी 10.1 सकिंट आ जाएगा एक डोलन लई लग्या समा। आवर्तकाल ते आवर्ती टोटल नंबर ऑफ कंपन अपॉन कंपना की गिनती, तो यह आ गया 10 हर्ट्स फ्रीकुएंसी, ते 1/फ्रीकुएंसी वो की आ गया समा। ठीक है, अगला है एक मच्छर अपने खंभा नू 500 कंपन प्रति सकिंट, मीनस ये की दिती हुई है एक सकिंट च किन्ने कंपन करता 500, तो यदी की होगी आवर्ती। औसत दर नाल कंपन करके धुनि पैदा करता है, असी टाइम पीरियड करना है तो 1/आवर्ती, टाइम पीरियड 1/500। ठीक है, 0.002 सैकेंड जड़ा है समा ज फ्रीकुएंसी होएगी धुनि दे उन्ना भागन, जिवें ढोल है, ढोल की होएगा चिल्ली। ठीक है, सितार दे विच तार, बंसरी दे विच हवा दे नाल कंपन हुंदे आ, हवा दे कॉलम दे नाल। शोर ते संगीत विच की अंतर है, अनचाही धुनि उहनू की कहिंदे आ, शोर जिहड़ी मन नू चंगी ना लगे उहनू की कहिंदे आ, असी शोर कहिंदे आ। ठीक, ते संगीत उच्ची आवाज़ च जिहड़ा संगीत है वह भी शोर बन जाएगा। हवा अपने वातावरण विचों शोर प्रदूषण के स्रोत, बसा कारा का लाउड स्पीकर, चक्की की खड़का, टैलीविजन, डीजे, रसोई उपकरण, फैक्ट्रिया के सायरन, ये सारे की है शोर प्रदूषण के स्रोत हैं। वातावरण करो कि शोर प्रदूषण मनुख लिए किस तरह हानि कर गया, शोर प्रदूषण अनिंद्रा, तनाव, चिंता, ठीक है, इदा दस्यावान है। तुहाडे माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, वह सड़क के कंडे खरीदे कि तीन गलियां छड़ के, तीन गलियां छड़ के अंदर मकान लेना चाहिए, क्योंकि मेन रोड से शोर प्रदूषण ज़्यादा होएगा। अदू बाद है मनुखी कंठ का चित्र बनाओ, जिहड़े साढ़े वोकल कोड्स होंदे आ गले दे विच, सुर तंतु। ठीक है, जदों इत्थों इन्हां दे विच दी हवा पास होंदी है, तो इन्हां दे विचों कंपन सुर तंतु वोकल कोड्स जिन्हां नूं कहिंदे आ असीं वोकल कोड्स, आई थिंक कोड दे ही स्पैलिंग आएंगे, सुर तंतु, तो इन्हों दे विच कंपन पैदा होंगे जिस करके धुनि सुनाई दिंदी है। अगला क्वेश्चन है आकाशी बिजली ते जड़ी हैगी है लाइट, इन्हां चों सानूं जड़ी लाइट है पहलां जदों बदल गरजते हैगे गरजन समय लाइट पहलां दिखती है ते आवाज़ बाद च सुनाई दिंदी है, क्यों? क्योंकि देखो अगर वेग लईए लाइट का 3×10⁸ मीटर प्रति सकिंट है, वेग है 3×10⁸
मीटर पर सकिंट, तो ध्वनि का वेग हैगा साउंड का 342 मीटर या 324 मीटर पर सकिंट। इन्हों चो लाइट की है ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है। तो बदल चलन वेले जी आकाशी बिजली है जा लाइट है वह जल्दी पहुँचती है, उस तो बाद आवाज़ साउंड वाच पहुँचती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ये थोड़े क्वेश्चन जिन्हों की आन की उम्मीद है।